नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। भारत ने किया पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। भारत ने बुधवार को परमाणु क्षमता संपन्न और स्वदेश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। मिसाइल का प्रक्षेपण ओडिशा में चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया गया और ये सेना के उपयोग के लिहाज से प्रायोगिक परीक्षण था। सतह से सतह पर मार करने में सक्षम इस मिसाइल का परीक्षण यहां एकीकृत परीक्षण रेंज पर प्रक्षेपण परिसर 3 से सुबह करीब 9:40 पर किया गया। 350 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है और इसमें लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन लगे हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विधेयक का मसौदा जारी। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले विधेयक का मसौदा बुधवार को सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया। मसौदा जारी करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जिस भी सरकार का शासन रहा है, किसी न किसी अवसर पर सभी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई, लेकिन इस पर काम नहीं किया गया, जबकि उनकी सरकार ने इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करते हुए इससे संबंधित विधेयक का मसौदा तैयार किया है। भाजपा सांसद ने आतंकवादी संगठनों से की सपा की तुलना। भाजपा सांसद ददन मिश्र ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए उसकी तुलना आतंकवादी संगठनों से की है। मिश्रा ने कहा कि सपा कोई राजनीतिक दल नहीं है। जिस तरह कश्मीर में आतंकवादी और नेपाल में माओवादी हैं, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी हैं। उन्होंने कहा कि सपा का न तो कोई सिद्धांत है न ही कोई नीति, ये मात्र एक परिवार का संगठन है जो इसे अपनी मर्जी से चला रहा है। भाजपा सांसद ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र को बदनाम करने के लिए विकास कार्यों में बाधा पैदा करने के साथ साथ लापरवाही बरत रही है। चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में पैदा हुए विक्षोभ के चेन्नई की ओर बढ़ने से शहर और तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी बारिश जारी है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा विक्षोभ बुधवार को गहरे विक्षोभ में बदल गया। क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केंद्र के निदेशक एस बालचंद्रन ने कहा कि अब गहरा विक्षोभ नेल्लोर तट से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने तथा आंध्र और ओडिशा तट पर चक्रवात में बदलने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी, जबकि तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। ईरानी अधिकारियों का आरोप, खुफिया एजेंट है किम कर्दाशियां। रियलिटी टीवी स्टार किम कर्दाशियां पर ईरान अधिकारियों ने खुफिया एजेंट होने का आरोप लगाया है। यूएस मैगजीन की खबर में कहा गया है कि ईरानी अधिकारियों के अनुसार कीपिंग अप विद द कर्दाशियां की स्टार भड़काऊ सेल्फी और तस्वीर पोस्ट कर उद्देश्यपूर्ण ढंग से ईरानी महिलाओं को भ्रष्ट बनाने की कोशिश कर रही है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्डस कोर के संगठित साइबर अपराध प्रकोष्ठ का मानना है कि कर्दाशियां इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्ट्रोम के दल का हिस्सा हैं। ओसीसीओ के प्रवक्ता मुस्तफा अलीजादे ने कहा कि वे युवा लोगों और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, इसके पीछे विदेशी हैं। ये योजनाएं फारस की खाड़ी और इंग्लैंड के इर्द गिर्द से उत्पन्न होती हैं। वेब दुनिया समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।